अक्षरा के सामने रानी चटर्जी के कुछ ज्यादा ही करीब आ गए पवन सिंह जी। हाँ, कभी रानी चटर्जी और पवन सिंह के अफेयर के किस्से भोजपुरी इंडस्ट्री में आम हुआ करते थे, लेकिन रानी भी पवन के जिंदगी में आया और गया राम ही थी। अब आपको ये बता दे कि फिर से पवन सिंह को रानी चटर्जी की याद आ गई है। अब भाई जो रानी चटर्जी इतनी स्लिम और ट्रिम हो गई है और दिखने में भी हॉट एंड सेक्सी, तो किसी की भी नीयत डोल जाएगी। वैसे भी रानी चटर्जी का ये हॉट अवतार लोगों को काफी रास आ रहा है। आपको बता दें कि रानी चटर्जी इन दिनों जिम में भी अच्छा खासा टाइम व्यतीत कर रही हैं। खैर, ये सब बातें हमारी बाद में आएंगी, लेकिन अभी बात हो रही है निरहुआ के बर्थडे पार्टी की, तो फिर वही हो। अब कुछ तस्वीरें खुद रानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट की है, जिसे देखने के बाद ये लग रहा है भाई रानी चटर्जी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी और पवन की एक ऐसी फोटो पोस्ट की है, जिसे देखकर लग रहा है कि रानी और पवन को अपने पुराने दिन याद आ गए। वैसे भी इन दोनों की जोड़ी इस पिक्चर में कमाल लग रही है, और अगर ये पिक्चर देखकर कोई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इन्हें अपने आने वाली फिल्म में साइन करना चाहता है तो अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इन दोनों की जोड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है। वैसे पवन सिंह ने भी मौके पे चौका मारा है। अक्षरा सिंह को जलाने का एक मौका भी इस पार्टी में उन्होंने नहीं छोड़ा है। हाँ, आपको तो वैसे पता होगा ही कि इस बर्थडे पार्टी में अक्षरा सिंह भी मौजूद थी और उन्होंने भी रानी चटर्जी के साथ एक बड़ी ही प्यारी और एडोरेबल सेल्फी ली है। खैर, जो भी है, इस पार्टी ने काफी लंबे समय तक लोगों को याद रहने वाले गॉसिप दे गई है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।